प्रिय छात्रों, आज बीए पार्ट थ्री ऑनर्स पेपर फाइव में हम आपको लिविंगस्टन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत पर व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान देंगे, लिविंगस्टन के सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, केकेएम कॉलेज जमुई, अर्थशास्त्र विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। बंधुओं, जहाँ तक लिविंगस्टन के क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थेसिस का सवाल है, तो इस संदर्भ में प्रोफेसर हार्वे लिविंगस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुष्चक्र पाया जाता है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन की स्थिति के आसपास बनाए रखता है। इस दलदल से निकालने का एक निश्चित पद्धति क्रांतिक न्यूनतम प्रयास है, जो प्रति व्यक्ति आय को उस स्तर को बढ़ा देता है जिस पर सतत विकास कायम रह सके। पिछड़ेपन की स्थिति से अधिक विकसित अवस्था में पहुंचने के लिए यह एक आवश्यक स्थिति है। मित्रों, लिविंगस्टन का विचार है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था झटकों और प्रोत्साहनों के अधीन काम करती हैं। झटका प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव है, जबकि प्रोत्साहन उसे बढ़ाने में सहायक होता है। विश्व में कुछ देश इसी कारण अल्प विकसित की अवस्था में रहे हैं कि वहां प्रोत्साहनों का आकार थोड़ा रहा है और झटकों का आकार अधिक रहा है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि आवश्यक न्यूनतम प्रयास द्वारा झटकों के आकार को कम किया जाए और प्रोत्साहनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। आवश्यक न्यूनतम प्रयास द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उस परिस्थिति में आय और सादी साधनों की अपेक्षा आय वर्धक साधन काफी प्रेरित होंगे। लिविंगस्टन ने यह विचार भारत सहित इंडोनेशिया जैसे अर्थविकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद प्रकट किया है। अब हम आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। इस मॉडल की प्रमुख बातें हैं जैसे पिछड़ेपन से मुक्ति, समस्याओं का अध्ययन, विकास का प्रयास। नंबर टू, विशेषताएं। इसमें अल्प
विकसित राष्ट्रों में विशेषताओं को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कृषि की विशेषताएं, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताएं, तकनीकी और अन्य विशेषताएं, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं तथा अन्य आर्थिक विशेषताएं। नंबर 3, सिद्धांत। देश में प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम मात्रा से कम विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आय में वृद्धि होकर बचत बढ़े और आर्थिक दुष्चक्र समाप्त हो जाए। नंबर 4, आवश्यकता। विकास का यह मॉडल निम्न कारणों से आवश्यक हो जाता है, जैसे संतुलित विकास, प्राचीन प्रथाओं की समाप्ति। देश में प्राचीन प्रथाओं की समाप्ति के लिए न्यूनतम विनियोजन जरूरी है। बाह्य मितव्ययताएं बड़ी मात्रा में विनियोजन से ही बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त की जा सकती हैं। बाधाओं को हटाना, विकास के परिणाम स्वरूप जो बाधाएं उपस्थित होती हैं उन्हें दूर करने के लिए न्यूनतम विनियोजक आवश्यक हो जाता है। बंधुओं, हम जनसंख्या संबंधी फलन पर विचार करेंगे। जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन। लिविंस्टन की थेसिस की प्रमुख मान्यताएं हैं, जनसंख्या में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के स्तर को यानी स्तर का फलन होती है और इसका विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंध है। ये अवस्थाएं हैं, जैसे प्रथम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में आय स्तर के जीवन निर्वाह साम्य स्तर पर जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिकतम होती है। द्वितीय अवस्था, प्रति व्यक्ति आय में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे मृत्यु दर गिरने लगती है, लेकिन जन्म दर एकदम नहीं गिरती है और जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। तृतीय अवस्था, यह अवस्था उत्तरोत्तर आय की वृद्धि से संबंधित है। अधिक आय की वृद्धि से बच्चों की उपभोग उपयोगिता घट जाती है। अधिक आय वाले धनी व्यक्तियों के बच्चे अपनी अधिक उत्पादन उपयोगिता भी नहीं रखते हैं, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है और पालन पोषण एक समस्या बन जाता है। चतुर्थ अवस्था, अधिकतम आय की स्थिति में जन्म तथा मृत्यु दरें दोनों ही कम हो जाती हैं और इस प्रकार जनसंख्या में बहुत ही थोड़ी वृद्धि होती है। लिविंस्टन के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि अधिकतम 3-4% के मध्य होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के पथ पर बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि दर पहले स्थिर रहती है और बाद में धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है, जैसा कि जापान तथा अन्य पश्चिमी देशों में हुआ है। इस प्रकार उनका स्पष्ट विचार है कि यदि कोई देश जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना चाहता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक प्रयास सही नुक्सा बन सकता है। लेकिन क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सब एक ही बार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसे छोटे छोटे प्रयत्नों के अनुरूप तोड़ दिया जाए और समय समय पर अकुशलतापूर्वक अर्थव्यवस्था पर लगाया जाए तो यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है।
मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत के गुण। अपनी प्रमुख पुस्तक के आमुख में ही लिविंस्टन ने लिख दिया है कि उनका लक्ष्य नुस्खा बनाना नहीं है, बल्कि व्याख्या करना और समझाना है। लेकिन रोस्टो की आत्मस्फूर्ति अवस्था की भांति उनके क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न थीसिस ने अर्थशास्त्रियों तथा अल्पविकसित देशों में योजना बनाने वालों का ध्यान आकर्षित किया है और इसे आर्थिक पिछड़ेपन का नुस्खा समझा जाता है। रोदान के प्रबल प्रयास सिद्धांत की अपेक्षा लिविंस्टन थीसिस अधिक वास्तविक मानी जाती है, इसलिए क्योंकि अल्पविकसित देशों में प्रबल प्रयास संभव नहीं है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास बहुत कुछ रोदान के सिद्धांत प्रबल प्रयास से मिलता जुलता है, जैसा कि यह स्पष्ट है कि लिविंस्टन का सिद्धांत अधिक व्यवहारिक तथा वास्तविक प्रतीत होता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रबल प्रयास बिग पुश थ्योरी को अपनाने के लिए एकदम पर्याप्त विनियोजन कम विकसित देशों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे न्यूनतम आवश्यक प्रयास के दोष पर। जहां तक कि इस सिद्धांत के दोष का सवाल है, तो इसके कई दोष हैं। जैसे आय बढ़ने के साथ जनसंख्या का बढ़ना, लिविंस्टन ने कहा है कि प्रारंभ में आय की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती है और एक सीमा के बाद जनसंख्या आय की वृद्धि के साथ साथ घट जाती है। लेकिन वास्तव में पहली अवस्था में प्रति व्यक्ति आय के स्तर तथा जनसंख्या वृद्धि में संबंध नहीं है। इसके विपरीत चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी हो जाती है और जन्म दर पूर्ववत बनी रहती है। यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ती जाती है और भारत इसका उत्कृष्ट उदाहरण भी है। नंबर दो, जन्म दर में कमी तर्कपूर्ण नहीं है। लिविंस्टन का यह विश्वास है कि एक सीमा के बाद जन्म दर में कमी का श्रेय, जो उन्होंने न्यूनतम आवश्यक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दिया है, वह उचित तथा तर्कपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। नंबर थ्री, राज्य प्रयासों की उपेक्षा। लिविंस्टन ने राज्य के प्रयासों की उपेक्षा की है जिनसे जन्म दर कम हो सकती है। नंबर फोर, समय तत्व की व्याख्या नहीं। लिविंस्टन ने समय तत्व की कोई स्पष्ट व्याख्या अपने मॉडल में नहीं की है। अर्धविकसित देशों के लिए उनके दीर्घकालीन विकास के हित में कहां तक यह मॉडल सहायक होगा, यह शंकापूर्ण है। नंबर फिफ्थ, क्लोज्ड इकोनॉमी। लिविंस्टन का सिद्धांत आय, बचत तथा निवेश के स्तरों पर विदेशी तथा अन्य बाह्य शक्ति के प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार यह बंद अर्थव्यवस्था पर लागू होने के कारण अवास्तविक लगता है।
प्रति व्यक्ति आय तथा वृद्धि दर में जटिल संबंध। प्रोफेसर मिल ने इस संबंध में कहा है कि प्रति व्यक्ति आय के स्तर एवं कुल आय में वृद्धि की दर के मध्य फलनात्मक संबंध अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। इसके भी कई कारण हैं। प्रति व्यक्ति आय का संबंध आय के विवरणात्मक आदर्श तथा बचतों को जुटाने में वित्तीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर है। विनियोग तथा परिणामी उत्पादन के मध्य संबंध को स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात निर्धारित करता है। जनसंख्या वृद्धि दर मृत्यु दर से संबंधित यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर एक बिंदु तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद प्रति व्यक्ति आय का घटता फल होता है। प्रक्रिया का संबंध प्रति व्यक्ति आय के स्तर में वृद्धि से नहीं है, बल्कि मृत्यु दर में कमी से है, जिसका कारण चिकित्सा विज्ञान की उन्नति तथा अन्य विकसित देशों की उसका व्यवहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों में सुधार से है। इस प्रकार मित्रों, अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।